दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों, आज 4 फरवरी दिन शुक्रवार, जानते हैं अदरक का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी का अदरक की गाड़ी आई, जान लेंगे आज की कहां कहां का माल क्या पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का अपडेट करो अदरक का जी। आज अदरक की टोटल 34 गाड़ी है। हाँ जी, 22 गाड़ी ताज़ा है, 12 गाड़ी कल का बैलेंस था। अच्छा, 12 कल की बैलेंस थी जी। जी जी, 2 गाड़ी इसमें आसाम वाली है, वो दीमापुर वाली। दीमापुर वो दो ही आ रही जी? दो ही थी आज। अच्छा जी, अच्छा। कम आया है। बाकी बेंगलोर का थोड़ा बारिश होने की वजह से बिक्री थोड़ा स्लो है। अच्छा जी। और पोजीशन जो अच्छे मार रहे हैं वो 21-22 है। अच्छा जी। बाकी नीचे 19-20 से लेकर के और 22 के बीच में, 22 एक दो गाड़ी होगा, बाकी 20-21 ज़्यादा माल के रेट हैं। अच्छा जी, अच्छा। और जो दीमापुर वाले हैं, जो अच्छे माल हैं, वो 21-22 हैं। अच्छा जी। और जो नीचे हल्के माल हैं वो 16-17-15 ऐसे बिकते हैं। वो जैसे दो गाड़ी आई फिर भी नहीं उसका रेट उठा? नहीं, उसमें क्वालिटी होती है, जो डैमेज हो गया ना क्वालिटी वो कम बिकता है। अच्छा, और जो साफ सुथरा अच्छे माल आते हैं वो थोड़ा अच्छा बिकता है। तो अच्छा, जो अच्छे माल है उसका 22-21 रुपये का पोजीशन है। फिर कल की गाड़ियाँ भी बैलेंस है और आज की भी, तो बिक जाएगा सारा जी? आज खाली होगा, कल से थोड़ा ज़्यादा खाली होगी, मौसम अभी खुला है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि कल पूरे दिन बारिश हुआ ना। हाँ जी, इसलिए थोड़ा बिक्री आज स्लो है। अच्छा, बाकी धीरे धीरे खाली होगा। मेरे हिसाब से 5-7 गाड़ी के आसपास बैलेंस रहेगा आज। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा। धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। दोस्त, अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी? ये 248 जी। हाँ जी, बोलना जी। ये 248 सब्जी मंडी आजादपुर, मोबाइल नंबर है 9811009238। अच्छा जी, अच्छा। धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। पहुंच चुके हैं नींबू मंडी में, जानते हैं नींबू मंडी में आज का नींबू का क्या कुछ बाजार चला, नींबू की क्या पोजीशन है, कितना माल आया। सर जी नमस्कार जी। सर जी, आज मंडी में नींबू की क्या पोजीशन, कितनी गाड़ी है जी? नींबू की खाली एक गाड़ी बीजापुर और एक गाड़ी श्रीगोंडा लगी है। सिर्फ दो गाड़ियां जी? इतनी सिर्फ दो गाड़ी, गाड़ियां कल लगेंगी, आज रात को लगेंगी बीजापुर की। अच्छा जी। मंगलवार को कोई चला नहीं था, बुधवार को चला था, वो शुक्रवार या शनिवार को आता है। अच्छा जी, अच्छा। रात को गाड़ियां लगेंगी, रात को 9 गाड़ियां आएंगी। अच्छा जी, अच्छा। आज दो ही गाड़ियां थी जी? आज दो ही गाड़ियां। आज की क्या पोजीशन रही जी फिर? आज बढ़िया माल, नींबू की पोजीशन है 30 रुपये से लेके 32 रुपये किलो। 30 से 32 रुपये। बीजापुर की बोरी बिक रही है 1,100 रुपये से लेके 1,600 रुपया। अच्छा जी, ये पोजीशन है आज की। अच्छा जी, और अपने पास बेर भी आ रहा जी है? अपने पास गुजरात का बेर आ रहा है, दो गाड़ी, आज दो गाड़ी थी अपने पास। चमेली आ रहा है, गोला आ रहा है, वो बिक रहा है 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो। ये बोरिया मा जी? बोरी वाला। कब तक चलता रहेगा जी? ये शिवरात्रि तक, लोहड़ी से लेके शिवरात्रि तक 1 महीना चलता है। अच्छा जी। और बहुत बढ़िया माल होता है, बहुत मीठा होता है। ये छोटे छोटे साइज के जी हैं? हाँ, छोटा चमेली कहते हैं, गोला जो मोटा होता है वो गोला कहते हैं। अच्छा, तो बढ़िया मीठा कौन सा, चमेली है गोला? चमेली, चमेली बहुत मीठा है, गोला भी बहुत मीठा है। चमेली जो लाल लाल से रंग पे होता है, छोटा पर है मीठा जी? वो है मीठा। अच्छा जी, अच्छा। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर? रामचंद इंदर मोहन वोरा, D399 जादपुर दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर 9810160955। धन्यवाद जी। दोस्तों, ये है वो बेर जिसको जो गोला बोलते हैं, ये थोड़ा मोटा हरे रंग पे है इसको गोला, और जो बिल्कुल बारीक बारीक सा, जैसे समझ लो नीचे गिरे पड़े दाने, कहाँ चमेली, वो चमेली, वो रखी चमेली, ये चमेली है, ये चमेली है और ये गोला है। ठीक ठीक ठीक। बात करते हैं प्याज की, जानते हैं प्याज का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई, और मंडी में आज की कल की बिक्री में और आज की बिक्री में क्या अंतर है, जान लेंगे आज के दिल्ली जादपुर मंडी के प्याज के रेट। सर जी नमस्कार जी। सर जी, आज का प्याज का अपडेट करो, मंडी में कितनी गाड़ियाँ जी? आज 30 गाड़ी करीब ताज़ी आई हैं। हाँ जी, 20 गाड़ी करीब कल की खड़ी हुई हैं। अच्छा जी, और 27 गाड़ी नीचे हैं। अच्छा जी, आप समझिए 77 गाड़ी, 77 है। हाँ जी, आधी पूरी करके 75 गाड़ी की आमदनी समझिए। अच्छा, नासिक भी है, पूना भी है और गुजरात भी है। अच्छा जी। हाँ जी, ये माल कहाँ वाला है जी अपने पास? ये नासिक का है जी। अच्छा जी, अच्छा। ये भाई साहब जो है, जो व्यापारी हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी। ये भी नासिक का है दूसरा? अच्छा, ये भी नासिक का है जी। हाँ जी, ये थोड़ा साइज बम्पर है जी ये? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो इसका क्या बाजार चला जी? इसका चल रहा जी 25-26 रुपए। 25-26 रुपए किलो? हाँ जी। अच्छा जी, और ये जो थोड़ा छोटे साइज में जी? ये चल रहा है जी 21-22 रुपए किलो। 21-22 रुपए किलो, उसके ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा जी, और जो पूना वाला है जी? ये पुणे वाला जो अच्छे माल है, देखिए वो 30 रुपए भी जा रहे हैं।
अच्छा जी। हाँ, लेकिन ग्राहक की कम है और बारिश का मौसम बना हुआ है। अच्छा, तो जी, इस वजह से जो मांग तो 30 रुपए रहे हैं, लेकिन सौदे जो हैं वो 26-27 रुपए में हो रहे हैं। अच्छा जी, तो कल वाले में और आज के बाजार में क्या फर्क है जी? कोई खास फर्क नहीं है जी, कोई खास फर्क नहीं है, बराबर बाजार चल रहा है। कल ये था कि कल ग्राहकी बिल्कुल ही नहीं थी। अच्छा, धूप नहीं थी, पूरे दिन बारिश हो रही थी। अच्छा जी, थोड़ी ग्राहकी है तो थोड़ा बेटर है। अच्छा जी, वो अपना जो गुजरात वाले माल आ रहे जी, दूसरे इनकी क्या पोजीशन जी? गुजरात वाले माल भी देखिए 25-27 रुपए के बीच में जा रहे हैं, जो अच्छे माल हैं। आज महुआ की एक अच्छी गाड़ी आई थी। हाँ जी, जो सुबह बिकी थी वो करीबन 1150 रुपए बिकी थी। अच्छा, इसका मतलब होता है करीबन 28-29 रुपए था। अच्छा जी, महुआ की जी? हाँ जी, वो भी इस रेंज में चली गई। बिल्कुल, अच्छा माल होगा तो जी ऊपर वाले रेट में जाएगा। अच्छा जी, कहीं का भी हो जी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, और मध्य प्रदेश वाला भी इलाका आ रहा कोई मंडी में? अभी कम है, आज आता है लेकिन आज बहुत ही कम है। अच्छा जी, हाँ जी। तो ये अपना जो पीछे पोजीशन है वो कैसी चल रही है? पीछे पोजीशन जो है अच्छे मालों की 20-25 के बीच में ही चल रही है। अच्छा, इसीलिए लोडिंग की कमी है लोडिंग की। हाँ जी, और देखिए अगर आते भी है माल तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, ना पीछे भेजने वाले को ना बेचने वाले को। अच्छा जी, क्योंकि रेट ऑलमोस्ट बराबर है सब जगह। अच्छा जी, हाँ जी, तो कोई इसमें फ़ायदा नहीं है जी, जो वहाँ से जा रहे माल? देखिए काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जैसे काम चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन चक्का चल रहा है। हाँ, चक्का चल रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी को कोई प्रॉफिट हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी को लॉस हो, काम चलना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, तो आने वाले दिनों में क्या आइडिया जी? आने वाले दिनों में आमदनी थोड़ी बढ़ेगी। अच्छा जी, और पीछे आमदनी बढ़ेगी नासिक वगैरह में, तो यहाँ भी बढ़ेगी जी फिर वो तो? हाँ, सब कुछ बढ़ेगा, और फिर थोड़े से पीछे रेट कम होंगे, यहाँ पे रेट थोड़े स्टेबल रहेंगे। अच्छा, तो काम अच्छा होगा। अच्छा, 15-20 दिन बाद ठीक होगा। ठीक है जी, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के। सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी? गुजरात यूनियन कंपनी है जी हमारा, मेरा नाम परीक्षित सानी है, 9810152315, A333 है हमारी दुकान नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर धीरे बोल दो एक बार। 9810152315, 9810152315। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बात करते हैं लहसुन की, जानते हैं लहसुन का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, लहसुन की मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई, कहाँ कहाँ का माल, जान लेंगे भाई साहब से जो स्पेशल लहसुन के बेचने वाले, जिनका 12 महीने लहसुन का ही काम है। सर जी नमस्कार जी। सर जी, आज का अपडेट करो, मंडी का कितनी गाड़ियाँ जी? मंडी में ताजी 10-12 गाड़ी हैं आज भी। आज 10-12 हैं, 3-4 रोज से इतनी ही आ रही हैं। अच्छा जी, जो नया माल है, नया माल अभी नया आ लिया जी? हाँ, नया। कौन सा जी? अब ये हल्की क्वालिटी है जो आप देख रहे हैं, ये नया माल है जी? ये खिर्रा टाइप लहसुन है। अच्छा जी, 30-32 रुपए बिक रहे हैं। ये कहाँ वाला है जी? ये सब एमपी का है। नहीं, एमपी का तो है, कौन सी इलाके? नीमच का है जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। जो बढ़िया क्वालिटी है, नहीं की उसकी पोजीशन तो 80-90-100 रुपए है। आया था जी अपने पास? अपने पास तो नहीं आया था, अपने पास मेरे पास हल्का माल ही था। अच्छा जी, इन मालों की पोजीशन 30-32 रुपए। अच्छा, जब 30-32 की इसकी है तो उसकी तो ऑटोमेटिक 80-90 तक चले जाएगी। हाँ, ये हल्का क्वालिटी है। अच्छा जी, ये एक लाट आप देख रहे हैं, ये पुराने स्टॉक के पुराने आ जी है तो, हाँ जी, ये 2700 रुपए का बिका था। 27, हाँ, ये इनका माल था। अच्छा जी, ये भाई साहब, हाँ, तो ये कहाँ से जी है? ये तो है आपके सोरों से। अच्छा जी, सोरों यूपी से, लेकिन इन्होंने माल परचेज करके रखा था। अच्छा जी, जो इनमें इनको बड़ा मोटा नुकसान हुआ है बहुत। अच्छा जी, मई जून में इन्होंने खरीदा था। अच्छा जी, जो 50 किलो की भर्ती थी जो 38 किलो में निकल रही है, वजन भी घट गया, वजन भी घट गया, और लहसुन भी 8-10 किलो खराब हो गया है। अच्छा जी, और रेट भी कम हो गया, रेट भी कम हो गया है। अच्छे माल, कोई भी टाइट माल जो है वो 30-35-40 रुपए तक के, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पुराने माल जी है, पुराने माल वो 38 रुपए बिके वो। अच्छा जी, हाँ बताओ जी, इसी में पुराने माल इतने शानदार कदी उनका, कभी आप जब अपनी जवानी में थे जी पूरे उसमें, तब की बात तो तब का क्या रेट था जी उसका जी? ये रेट तो इनके ऊपर नहीं थे, लेकिन जवान रेट बड़े नहीं ना, जैसे बड़े नहीं, जब बीच में एक बार जब सही था जी, तभी भी 35-40-45 रुपए बहुत था। अच्छा, 50 रुपए तक लगता, चलो 50 रुपए था तब। वाह, और आज की तारीख में जी ये 38 रुपए, 38 रुपए, 12 रुपए तो इसमें घट गए, और वजन घट होगा अलग जी। वो जैसे वो मीडियम माल देख रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, उसमें मरा दाना है, वो बिका है 14 रुपए किलो का। अच्छा जी, अच्छा, ये जो खुल के जा रहा है देखिए आप। अच्छा जी, अच्छा, ये 14 रुपए का जी। अच्छा जी, तो अच्छे माल जो है वो तो बिक रहे हैं 30-35-40 रुपए। अच्छा, हल्के माल मार्केट में ज्यादा है। अच्छा जी, ये पुराने वाले, पुराने वाले हल्के माल ज्यादा है, ये अभी 15-20 दिन अभी ये चलेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि ये पूरा फरवरी तो ये चलते ही रहेंगे। अच्छा जी, क्योंकि मालों में दम नहीं है, वहाँ पर और कोई जगह नहीं कि जो माल जा सके। हाँ जी, तो खत्म तो करना ही है उन्होंने माल। हाँ जी, हाँ हाँ, अभी के यूपी में तो काफी माल पड़ा हुआ है।
अच्छा यूपी में काफी माल पड़ा है, तो इसलिए को तेजी के आसार अभी नजर यानी सब अब नए की तरफ भाग रही है, सब नए की तरफ, और 10 दिन के बाद ये नया का माल ज्यादा आना चालू हो जाएगा। अच्छा जी, तो फिर इसकी औकत कम हो जाएगी। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी जानकारी दे। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर, आर एम ट्रेडिंग कंपनी, हाँ जी, ए ब्लॉक 279 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, हाँ जी, 9810087863, निकनेम मुझे पिंकी भाई बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। क्या नाम है दोस्त अपना जी? नीटू। नीटू जी, कौन सी जगह से आते हो आप? यूपी सूरत से। अच्छा, आपने ये तो खरीद के लिया था, रखा था जी अपना जी, माल जी, 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 फिर तो इसमें वजन भी घट गया और रेट भी घट गया, तो वजन कितना घट गया जी इसमें कम से कम? वजन इसमें घट गया 12 किलो के लगभग। अच्छा जी, और खरीदा था जी किस रेट में जी ये? फिर ये 50 रुपये का सर। 50 रुपये का था, और अब क्या चल रहा जी? अब ये बिक रहा है 28-27 रुपये। अठाई यानी ये लगा लो कि 20 रुपये से 22 रुपये तो इसमें वैसे घट गए रेट में, 20-22 रुपये तो रेट में घट गए, और 12 किलो इसमें वजन घट गया जी। ये तो बड़ा तगड़ा नुकसान बना जी। फिर कितने का बना जी ये? ये बन गया आपका 500-700 रुपये तो यूँ चले गए वजन के। हाँ जी, 700 रुपये तो 22 रुपये के हिसाब से किलो वो चले गए। हाँ जी, हाँ, रकम आधी भी नहीं हुई, आधी भी नहीं आ रही। अच्छा जी, अच्छा, तो कितने बैग रखे थे जी आपने? बैग 1000 रुपये। 1000 रुपये तो बड़ा तगड़ा लॉस होएगा। आप भी, आप व्यापारी हो, किसान भी हो, खाली व्यापारी? व्यापारी भी है। अच्छा, आप पहले भी करते हो लहसुन का काम? पहली बार किया था जी? नहीं, करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, जो लहसुन वाले उनको तो फिर जो व्यापारी है लगा मखा कभी पहली बार किया हो, चलता रहता है तो ऊपर नीचे, तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मौका आएगा, मौके बहुत है, छोटा दिल ना करो, छोड़ दो, चलता रहता है जी। ये तो प्रोग्राम ऊपर नीचे का था जी, व्यापारी यही है जी, और सबसे बड़ी बात है जी, आप उधर से माल ले रहे, यहाँ पर खिला रहे, ये भी एक सेवा ही है जी। हाँ जी, हाँ, ये भी जो है सेवा, ऊपर गिनती होती है खाते में। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।